हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। इसके पहले मैंने आपको बाकी सारे चैप्टर्स जो है करवा दिए, आप चैप्टर समझा भी दिए, उनके क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी क्वेश्चन सारे बता दिए। तो इसकी वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो या चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर। चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम। एज यू हैव स्टडी इन द क्लास 6 एंड दैट सम ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट एंड सम हैव द मूवमेंट। हमने 6 क्लास में पढ़ा है ना, स्टडी की है कि कई ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं और कई ऑब्जेक्ट जो है मूव करते रहते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड द सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ साथ मूव नहीं करता है तो इसका मतलब वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड द सराउंडिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो इट इज़ सेड टू बी मोशन, तो उसे क्या कहते हैं, मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, ये बॉल यहीं पर रखी हुई है, यहाँ से कहीं नहीं जा रही है, तो ये बॉल कैसी है, रेस्ट में। ठीक है, अब ये बॉल अगर यहाँ रखी है और साथ में इसको आगे आगे हम मूव करा रहे हैं या आगे आगे जा रही है, तो इसका मतलब ये किस में है, मोशन में। ठीक है, आई होप आपको ये मोशन की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई। देर आर मैनी टाइप ऑफ द मोशन, मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक लीनियर मोशन, सर्कुलरी मोशन, पैरोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये सारे मोशन के नेम आप याद कर लेना। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मोशन की मिल गई और टाइप्स ऑफ मोशन, ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इज़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधे सीधे जो मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधे मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। ठीक है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ, अगर मोशन कैसे हो रहा है, गोल चक्कर में इस तरीके से गोल गोल हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर मोशन कैसा हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वॉल क्लॉक होती है जिसमें पेंडुलम लगा होता है, ये क्या होती है, एक बार यहाँ जाती है फिर यहाँ जाती है, यहाँ जाती है यहाँ जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, टू फ्रो, टू फ्रो। ठीक है, समझ आए, मतलब एक बार इस तरफ एक तरफ इस तरफ, तो टू एंड फ्रो मोशन, इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपके नॉलेज के लिए, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है और कौन सा लीनियर मोशन है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे अगर ट्रेन की मोशन है तो वो कैसी है, तो वो कैसी है, लीनियर मोशन, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, सीधी सीधी। मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये सिंपल पेंडुलम अपनी जगह से ए, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ है ये सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे घूम रही है, तो कैसे घूम रही है, सर्कुलर। ठीक, तो ये क्या हो गया, सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ मूविंग साइकिल, अगर साइकिल में जो व्हील है, पहिया है, वो कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे आगे को होता है, वो घूमता है ना, तो वो गोल गोल घूम रहा है, तो वो कौन सा हो गया, सर्कुलेटरी मोशन। मोशन ऑफ सीसा, सीसा झूला होता है ऐसा, उस पर एक साइड एक बच्चा बैठता है और एक साइड दूसरा बच्चा बैठता है, और इसको क्या करते हैं, एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो इसे सीसा झूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऊपर नीचे मीन्स टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो वो कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आई होप ये सारे मोशंस, टाइप ऑफ मोशंस आपको समझ आ गए। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन। तो आपने देखा होगा ना यहाँ पे जैसे रेसिंग कार है, चीता है, स्नेल है, टॉर्टोइज है, तो स्नेल और टॉर्टोइज बहुत स्लो स्लो चलते हैं और ये बहुत फास्ट होते हैं, तो ये क्या है, स्लो मोशन, और ये क्या है, फास्ट मोशन।
तो मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो बट सम ऑब्जेक्ट मूव वेरी फास्ट. कुछ ऑब्जेक्ट तो बहुत स्लो होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं. ट्राई टू लिस्ट द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी की लिस्ट बनाओ स्लो एंड फास्ट मोशन की. मेक अ लिस्ट सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट की, कुछ एनिमल की बनाओ, जो जैसे कि अभी आपको बताया मैंने क्या, रेसिंग कार और चीता, ये क्या है, फास्ट मोशन. स्लो में हम देख लेते हैं कौन कौन से, ये दोस्त हैं आपके, एक स्नेल और एक टॉर्टोइस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. स्लो मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्लो मोशन, इट टेक टू ए लॉन्ग टाइम टू कवर ए सर्टन डिस्टेंस. स्लो मोशन और फास्ट मोशन में आपको डिफरेंस आता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. स्लो मोशन क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम स्लो मोशन में कहेंगे जो बहुत समय लेता है और डिस्टेंस क्या है, बहुत कम कवर करता है. ठीक है, फास्ट मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फास्ट मोशन, ऐसे ऑब्जेक्ट को फास्ट मोशन कहेंगे इफ टेक टू द शॉर्टर टाइम, जो बहुत कम टाइम लेता है और ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है. जैसे कि एक मोटरसाइकिल जो है वो मूव करेगी स्लो या फिर फास्ट मोशन, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक रोड. अगर रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो धीरे धीरे चलेगी, ज़्यादा ट्रैफिक है तो धीरे धीरे चलेगी, और कम ट्रैफिक है तो बहुत तेज़ी से भागेगी, है ना. ए मोटरसाइकिल कैन मूव स्लो एंड फास्ट डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक रोड. ए मोटरसाइकिल कैन मूव फास्टर देन द बाइसाइकिल बट एन एरोप्लेन मूव फास्टर देन द मोटरसाइकिल. अगर हम साइकिल से मोटरसाइकिल को कंपेयर करें तो साइकिल स्लो होगी, मोटरसाइकिल फास्ट होगी. एरोप्लेन को मोटरसाइकिल से कंपेयर करेंगे तो मोटरसाइकिल स्लो होगी और एरोप्लेन फास्ट होगा. ठीक है, ऑन ए रोड वी कैन ईजी स्पॉट द डिफरेंट इन द स्पीड ऑफ द डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट बाय द सिंपली लुकिंग एट दैम. हमने ऑब्जेक्ट बहुत सारे देखे अलग अलग मूविंग करते हुए. इफ़ वी लुक एट द पोजिशन ऑफ द व्हीकल, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजिशन को देखें इंस्टेंट ऑफ द टाइम एंड देन अगेन एट द सम व्हीकल आर अ फ्यू सेकेंड एंड वी कैन स्पॉट विच व्हीकल मूव फास्टर एंड विच व्हीकल इज मूव स्लोअर. हम थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान से देखें किसी चीज़ को, हाँ, अगर व्हीकल्स जा रहे हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन सा व्हीकल स्लो चल रहा है और कौन सा व्हीकल फास्ट चल रहा है. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन एन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ द डिसाइड टू इट्स स्पीड. मतलब डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पर. जितनी तेज स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट उतनी जल्दी अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंच जाएगा, और जितनी स्लो स्पीड होगी वो धीरे 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 अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुंचेगा. ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है स्पीड पर. स्पीड कितने टाइम पे डिपेंड करी, मतलब तीनों ही किस पे डिपेंड है, एक दूसरे पर. कितने टाइम पर कितनी स्पीड से कितना डिस्टेंस तय हो रहा है. ठीक है, तो वी कैन से हु हैज़ द हाइस्ट स्पीड बाय नोटिस द टाइम टेकन. तो हम किस पे नोटिस करेंगे, टाइम पे नोटिस करेंगे. अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो एक पर्सन जो है वो यहाँ पहुँचा 1 आवर्स में और दूसरा पर्सन पहुँचा 2 आवर्स में, तो किसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, इसकी स्पीड जो 1 घंटे में पहुँच गया और इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, समझ आ गई बात. ठीक है, तो इफ़ वी कैन, हमें किससे आइडिया लगाया हमने, टाइम से. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेडिंग स्पीड. वी कैन फैमिलियर विद द डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड देयर स्पीड. हमें बहुत सारे पता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्पीड होती है. हायर स्पीड मीन दैट गिवन द डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम. ज़्यादा स्पीड है मतलब कम टाइम में उन्होंने डिस्टेंस को कवर किया है. लॉन्ग डिस्टेंस कवर बाय द गिवन टाइम एंड देयर बेस्ट ऑफ द वे द कंपेयर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन यूनिट टाइम और टू हैव द यूनिफॉर्म मेजरिंग यूनिट. मतलब अच्छे से कंपेयर करें हम तो हम उसकी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को अच्छे से एक ग्राफ के थ्रू जो है कवर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसकी स्पीड कम है किसकी ज़्यादा है. तो यहाँ पर देखो, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता है तो साइकिल की स्पीड जो है इसकी स्पीड से स्लो है, ये फास्ट है. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी स्पीड स्लो है और इसकी क्या है, फास्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया है, एक बाईसाइकिल जो है वो डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेगी. एरोप्लेन 1200 घंटे कवर कर देगा 1 घंटे में. एक मोटरसाइकिल जो साइकिल है वो 8 किलोमीटर और जो एक मोटरसाइकिल है वो 40 किलोमीटर. तो सभी का देखो, साइकिल ने सिर्फ 8 घंटा, मोटरसाइकिल ने 40 घंटा, एरोप्लेन ने 1200 घंटा. तो हमें पता लगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है. ठीक है, कैसे पता लगा, क्योंकि हमने ये देखा, बिकॉज हमने क्या देखा कि कवर्ड मोर डिस्टेंस,
एक घंटे में किसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसी को हमने समझ लिया, उसकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब हमें स्पीड का अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और हम फॉर्मूले से हम किसी भी चीज़ की स्पीड को निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर डिस्टेंस पता लगानी है, ये तीनों फॉर्मूले आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में आगे काम आएंगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन द स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन स्पीड, ठीक है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से कंपेयर कर लो, डिस्टेंस स्पीड टाइम तीनों ही सारे फॉर्मूले में होंगे, ठीक है। डिस्टेंस पता करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टाइम पता करना है तो आपने डिस्टेंस को क्या करना है, स्पीड से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको याद रखोगे ना तो ये टाइम पता करना है, डिस्टेंस के नीचे स्पीड है ना, तो इससे फॉर्मूला पता लग गया आपको, है ना। उसके बाद स्पीड पता करना है तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस को टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद हो गए, देखो क्या एक ट्राइंगल याद रखो, इसमें डी एस और टी याद रखो, ठीक है। तो टी निकालना है तो यहाँ पे लाइन खींच दो, डी अपॉन एस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एस निकालना है तो यहाँ लाइन खींच दो, डी अपॉन टी फॉर्मूला, डी निकालना है तो एस मल्टीप्लाई टी, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ना, ठीक है, इससे आपने अच्छे से कर लिया। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, द SI यूनिट फॉर द मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर एंड SI यूनिट ऑफ द मेजरिंग इज द टाइम इज सेकेंड। ये वन मार्क्स में आता है, ध्यान से पढ़ना आपने। SI यूनिट मेजरमेंट की डिस्टेंस की किस क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, मीटर में, तो हमने क्या लिखना है, स्पीड इज इक्वल टू जो भी है आपकी स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकेंड में होगी। कैसे होगे मीटर पर सेकेंड में, देखो यहाँ पे आपके पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम मीटर में कर रहे हैं, टाइम को हम सेकेंड में कर रहे हैं, तो ये अपॉन में है ना, तो जो अपॉन की चीज़ है हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब सेम ही है, मीटर पर सेकेंड, दोनों का मीन्स एक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फॉर मेजरिंग लार्जर इंटरवल ऑफ द टाइम हैव द बिगर अनलाइक मिनट, और जो अगर ज़्यादा लंबा समय होता तो उसको मिनट में नहीं, उसको हम आवर्स में देखेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसको हम किलोमीटर मील्स में देखेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, यहाँ देख लेते हैं। ए मैन ऑन ए स्कूटर, एक मैन है स्कूटर पर ट्रैवल कर रहा है, उसकी डिस्टेंस 50 मीटर है, 10 सेकेंड में। आपको स्पीड बतानी है, स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा 50 है, टाइम हमारा 10 है। ये देखो डिस्टेंस 50 है और टाइम 10 है, तो हमने क्या करना है, 50 अपॉन 10, सीधे 10 फाइव ज़ा 50, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, स्पीड की, जहाँ आपने स्पीड लगानी निकालनी है वहाँ पर मीटर पर सेकेंड लिखना है, ठीक है। आगे एक कार है 80 किलोमीटर पर आवर्स से, अब किलोमीटर पर आवर्स दिया इसका मतलब ये क्या है, स्पीड दे रखी है, टाइम 15 मिनट दिया है, आपको टोटल डिस्टेंस पता करनी है। तो सबसे पहले टाइम हमारा मिनट में है, तो हमने उसको सेकंड में, इसको आवर्स में चेंज करना है। नहीं देखो यहाँ पर क्या है, मिनट 15 मिनट जो आपको यहाँ पर 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है, इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो किलोमीटर आवर्स में दी है, किलोमीटर आवर्स में हमें स्पीड दी है, ठीक है। तो टाइम हमें मिनट में दिया है, तो मिनट को हम किस में चेंज कर देंगे, आवर्स में कर देंगे, है ना। तो 15 मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हमारी 80 है, टाइम हमारा 1/4, 80 मल्टीप्लाई 1/4 कर दो, 4 1 4, 4 2 8 और 0, तो आंसर कितना आ गया आपका, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कोशिश करूँगी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म करने की। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।